किसी ने कोई गलत काम कर दिया अपने धर्म का पालन नहीं किया तो वो अंदर अंदर ग्लानी से झुलस रहा है और एक आप हैं कि कितने रिलैक्स होकर बैठे हैं कितना शांतिपूर्वक बैठे हैं तो ये भगवान के लिए धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता है बनता है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को फील करने से फिर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है इतिहास का निर्माण होता है फिर व्यक्ति अपना इतिहास भी बनाता है और अपने आसपास का जिस संस्थान में जिस कुल वंश में पैदा हुआ रह रहा है उसका इतिहास भी उसी से ही बनता है कल श्रद्धा आचार्य जी ने एक मीटिंग ली थी वहाँ पर यूनिवर्सिटी में तो वो बता रहे थे कि भाई संसार की जो अन्य यूनिवर्सिटी हैं उनको टॉप पे क्यों माना जाता है और भारत की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन वो टॉप पे क्यों नहीं आती हैं टॉप टेन में क्यों नहीं आती हैं वो विश्व की यूनिवर्सिटीज़ में तो उन्होंने बताया कि भाई पढ़ाई तो ज़्यादातर शब्दों की पढ़ाई तो ज़्यादातर बी ए तक हो ही जाती है ग्रेजुएशन तक हो जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर तक मास्टर का मतलब है उस विद्या का स्वामी जो जिसमें मास्टरी करता है और उसके बाद जो पीएचडी है वो उसमें वो रियल सर्च करते हैं वो लोग हमारी तरह से नहीं करते हैं कि जी जैसे तैसे बस एक डिग्री मिल जाए ये पता हो कि भाई अब ये पीएचडी हो गए डॉक्टर हो गए ऐसे नहीं करते वो वो सच में ही कुछ नई खोज करते हैं नई खोज करेगा तो उस व्यक्ति को भी आनंद मिलेगा और जिस संस्थान में रहके कर रहे है, वो संस्थान को भी मिलेगा तो इसलिए वो यूनिवर्सिटियां ऊंची मानी जाती हैं भाई दो प्रतिशत साइंटिस्ट में पतंजलि का नाम क्यों आया क्योंकि पतंजलि ने आयुर्वेद के क्षेत्र में रियल सर्च की है केवल पेपर के लिए सर्च नहीं की सच में मानवता को कुछ मिलता है उस सर्च से तो हम यहां क्यों बैठे हैं रामायण क्यों पढ़ रहे हैं हम सत्संग क्यों करें चर्चा क्यों करें प्रश्नोत्तर क्यों पूछे तो इसका हमारे पास एक प्रयोजन होना चाहिए ये अपने आप में एक सर्च है इससे फिर आनंद मिलता है और इससे फिर व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो बस जो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनते हैं और फिर जीते हैं फिर वो महापुरुष बन जाते हैं और कुछ मतलब सुनते समय भी लापरवाह हैं और बाद में जीने का तो कोई सवाल ही नहीं है वो पांच सात साल में सामान्य व्यक्ति घोषित हो जाते हैं बिल्कुल कुछ नहीं है बेशक उसके पास डिग्रियां भी हों लेकिन उसको कोई भी नहीं जानता कोई भी बुलाता नहीं है अब आचार्य जी के पास उसकी डिग्री बेशक नहीं है लेकिन उन लोगों ने बुलाया अभी भी और देश बुला रहे हैं तो अपनी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है अपनी श्रद्धा अपना पुरुषार्थ और सच में ये ही समता लाते हैं तो जो आप महापुरुषों की बात पूछ रहे थे कि भाई उनको तो दुख की फीलिंग होती नहीं है हमें क्यों होती है। उनको भी होती है पर वो उसको अपने हित के लिए एक तपस्या का साधन मान लेते हैं तो हमारे को यदि कभी ये फीलिंग होगी भाई कक्षा में बैठना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो अच्छा लग रहा था कि बाहर ग्राउंड में बैठता धूप में तो समझो कि यदि यहाँ बैठ रहे हैं तो यो ये मेरे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का एक साधन है मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ वैसे ये तो कक्षा बहुत अच्छी कक्षा है इसमें इस ऐसा किसी को लगता नहीं है कोई अपवाद बेशक हो वरना तो सबको अच्छा ही लगता है इसमें लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये तो थोड़े दिन ना हो तो मुझे ही ऐसी फीलिंग होने लगती है कि कुछ नीचे जा रहा है तो बहुत अच्छी कक्षा है और फिर भी बहुत सारी प्रतिकूलताएं आती हैं तो उस समय जो उसको अपनी तपस्या का साधन मान लेता है वही महापुरुष ना माने तो फिर प्रतिकूलता है जी पीछे दो, पीछे दिन ओम परमात्मा की श्री माता श्री जो ये सब कल बताया था कि सेना वहीन राजा से मित्रता नहीं करनी चाहिए सेना वहीन सेना वहीन हम्म तो जैसे दुर्योधन ने, ने इसका ही पालन किया था और सेना वहीन और शास्त्र वहीन भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर सेना का साथ लिया था और अपना विनाश का कारण ये बना था उसका ये निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोण तो माता जी ये हाँ और अर्जुन ने सेना विहीन राजा का चयन किया था ना तो वहाँ पर तो बात योगी की थी क्योंकि एक सेना सहित राजा और एक योगी तो उन दोनों में तो योगी भारी पड़ेगा तो अर्जुन इस बात को जानते थे कि भाई मेरे को सेना और एक राजा और उससे भी बड़ा व्यक्तित्व है योगी का तो योगी मिलना चाहिए मेरे को मान लो आपको कोई कहे कि भाई एक तरफ सारे संसार के सुख साधन ऐश्वर्य और एक तरफ है ईश्वर तो किसका चयन करोगे ईश्वर का कर करेंगे नचिकेता की तरह से तो वहां तो दुर्योधन की अल्पज्ञता ही मालूम होती है तो यहां जो बात कही जा रही है ये एक सामान्य स्तर की बात कही जा रही है कि भाई एक तरफ हमारे पास सेना सहित कोई राजा है एक तरफ सेना से विहीन राजा है तो दोनों में से किसके साथ संधि करनी चाहिए सेना वाले के साथ करनी चाहिए ताकि कभी अवसर पड़ेगा यदि राजा को तो उसकी सेना काम तो आ जाएगी अगर ये सेना विहीन राजा कोई योगी होता तो फिर ये बात नहीं आएगी क्योंकि यहाँ बात राजा की आ रही है राजनीति की आ रही है तो ये उसका उत्तर जी बोलिए ओम पूज्य देवी मां प्रणाम मैं एक पुस्तक का अध्ययन कर रही थी तो उसमें एक वाक्य वाक्य आया था कि सत्य का मार्ग प्रथम स्तर पर प्रश्नों और उत्तरों का है द्वितीय स्तर पर शंका समाधान का और तृतीय स्तर पर जी ज्ञानम का तो मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया था मतलब किस प्रकार से इसका जैसे मान लो आप यहाँ पर किसी चीज की किसी सत्य की खोज कर रहे हैं अहिंसा की ब्रह्मचर्य की किसी की भी ठीक है तो उसका प्रथम स्तर तो यही होगा कि प्रश्न उत्तर करें कि जी ये सन्यास क्या है ब्रह्मचर्य क्या है तो फिर आपको उत्तर दिया जाएगा प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं फिर आपको शंका होगी उससे अगला कि ये तो ऐसे बताया था लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा है हमें संशय कहते हैं तो संशय जो है वो उभय कोटिक ज्ञान होता है कि ऐसा भी लग रहा है ऐसा भी लग रहा है तो वो शंका हो उसका समाधान किया जाता है फिर वो भी समाधान भी हो गया फिर भी ठीक ठीक उसका दर्शन तो नहीं हुआ अभी भी सत्य का तो फिर उसके लिए जिज्ञासा की जाती है कि वो मुझे मिलना ही चाहिए तो तीनों के लिए एफर्ट अलग अलग होंगे प्रश्न उत्तर के लिए कोई एफर्ट नहीं करना प्रश्न आ रहा है दूसरे ने उत्तर दे दिया बात खत्म पर सत्य तो नहीं मिलेगा ना आपने मेरे से प्रश्न किए मैंने उत्तर दे दिए बस यही खत्म हो जाता है ये वाला सत्र तो इससे सत्य की प्राप्ति तो नहीं होगी उसके बाद जैसा सुना है वैसा जब जियोगे तो फिर आपको शंकाएं होंगी कि जैसा सुना था वैसा तो नहीं लग रहा है फिर उनका समाधान देता है आचार्य शंकाओं का और आप कहोगे कि समाधान भी मिल गया चीजें स्पष्ट भी हैं लेकिन फिर भी तृप्ति तो नहीं हुई सत्य तो नहीं मिला नारद की तरह से नारद सनत कुमार का जो संवाद है तो फिर वो आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है तो उसका फिर उसकी शांति की जाती है जिज्ञासा की तो वो तीसरा स्टेप है उसका साक्षात्कार होता है जिज्ञासा जिसको होती है उसकी शांति होती है साक्षात्कार में और वो स्वयं से ही होती है वो कोई दूसरा नहीं करता है और जिस दिन साक्षात्कार हो गया तो सत्य की प्राप्ति हो गई तो ये तीन सोपान है सत्य प्राप्ति के ठीक है अन्य कोई प्रश्न है किसी का चलो आगे पढ़े आगे श्री राम बता रहे हैं कच्चित सफलावेदाह कच्चित सफला, सफला क्रिया कच्चित सफला दारा कच्चित सफलम श्रुतम कह रहे हैं कि भरत जी से कह रहे हैं ते वेदा कच्चित सफला आपने जो वेद पढ़े थे बचपन में गुरु के पास जाकर गुरुकुल में तो वो वेद सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आपने अभी से पहले जो वेद पढ़े हैं वो आपके जीवन में सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये प्रश्न बनता है ना अपने आप से भी तो वेद का फल क्या है तो ये नीचे इन्होंने महाभारत का वो दिया है श्लोक दिया है अग्निहोत्र फला वेदाह वेद का फल क्या है अग्निहोत्र अग्निहोत्र मतलब यज्ञ जो आपने पढ़ा था वो प्रैक्टिकली होना चाहिए जीवन में उतरना चाहिए तब वेद सफल होते हैं अग्निहोत्र फला वेदाह दत्त भुक्त फलम धनम और धन सफल कब होता है जब वो भोग और अपवर्ग देता है दत्त भुक्त फलम दान करें या तो धन से या तो उपभोग करें अब मानो किसी व्यक्ति के पास धन तो है लेकिन ना तो खुद के ऊपर कोई उपभोग करता है ना किसी को दान देता है तो वो धन सार्थक है कि निरर्थक निरर्थक है फल दे ही नहीं रहा वो धन वेद तो पढ़े हैं लेकिन वेदानुकूल आचरण नहीं कर रहा है व्यक्ति तो वो वेद सार्थक है कि निरर्थक सफल नहीं है ना फल नहीं देख रहा ना वेद अपना तो वेद का फल है आचरण में आना आदि का मतलब है यज्ञ योग और यज्ञ आचार्य अभयदेव जी की पुस्तक है उसका शीर्षक ही यही है यज्ञ और योग तो योग का मतलब है शक्तियों का अर्जन और यज्ञ का मतलब है सेवा में विसर्जन कमाना दान देना तो ये दो ही जीवन की सार्थकता बताइए वहां पर दो पंख बताए उन्होंने कहा कि इससे आप आकाश में उड़ सकते हैं मनुष्य के पास दो पंख हैं जैसे पक्षियों के पास दो पंख हैं उससे उड़ जाते हैं आकाश में ऐसे इंसान के पास भी दो पंख हैं एक योग एक यज्ञ प्रतिदिन कुछ नई दिव्य शक्तियों का शांति का धैर्य का पुरुषार्थ का एकाग्रता का इसका अर्जन करना चाहिए एक दो घंटा उपासना में जब बैठते हैं ना तो उसका अर्जन होता है और फिर दिन भर उसको यज्ञ में लगाना सेवा में लगाना होगा तो वो यज्ञ हो गया तो योग और यज्ञ ये दो पंख हैं इससे व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त करता है और इसका एग्जाम्पल जी एग्जाम्पल पतंजलि योग पीठ श्रद्धे स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी महाराज ये उसके एग्जाम्पल है योग और यज्ञ को ही तो लेके चले और उन दोनों से काफी लंबी उड़ान हो गई आकाश में और और, और भी आगे कहां तक होगी ईश्वर जानता है तो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपके वेद सफल हो रहे हैं कि नहीं भरत जी से पूछ रहे हैं जो पढ़ा था वो जीवन में उतर रहा है कि नहीं कच्चित सफला वेदा कच्चित सफला क्रिया आपकी क्रियाएं सफल हो रही हैं कि नहीं तो क्रिया सफल होने का मतलब है कर्म सफल होने का मतलब क्या है कच्चित सफला क्रिया जो भी तुम क्रिया कर रहे हो जिस प्रयोजन को लेकर के क्रिया कर रहे हो वो फल मिलना चाहिए जो भी आप कर्म कर रहे हो कच्चित सफला दाराहा आपने शादी की है तो वैवाहिक जीवन सफल हो रहा है कि नहीं तो वैवाहिक जीवन सफल कब होता है जब संतानें पैदा होती हैं। तो जब पति पत्नी में प्रीति होती है प्रेम होता है तो वो जीवन सार्थक है सफल है और ना तो संतान उत्पत्ति हुई ना तो पत्नी में और पति में प्रीति है रोजाना झगड़ाई करते हैं तो फिर वो जीवन सफल नहीं कहा जाएगा निष्फल कहा जाएगा निरर्थक कहा जाएगा कच्चित सफलम श्रुतम और क्या आपका सुना हुआ सफल हो रहा है तो यहाँ श्लोक में नीचे बताया है शील वृत्त फलम श्रुतम श्रुतम सुना हुआ है वो कब सफल होता है हमारा शील वृत्त जब हमारा शील हमारा स्वभाव हमारा आचरण वैसा बन जाए हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं रामायण में ये सुनी हुई बातें सफल कब होंगी जब जैसा सुना है वैसा जीवन में आ जाए वैसा स्वभाव बन जाए वैसा शील बन जाए तो सफल होंगी नहीं तो सारा सुना हुआ निष्फल तो उसमें अथर्वेद का पहला ही मंत्र है ना मैं ये वस्तु मैं मेरा सुना हुआ मुझमें ठहरे छलनी की तरह निकल ना जाए जैसे छलनी में जो भी डालो सब नीचे तो हमारे चित्त की हालत यदि छलनी जैसी है इधर से रामायण डाल रहे हैं सारा नीचे तो फिर तो उसमें डालना न डालना बराबर ये ना, छलने के लिए तो निरर्थक है ना उसके क्या काम आया तो हमारे चित्त के लिए निरर्थक हो जाएगा यदि वो चित्त में रुकेगा तो फिर वो हमसे वैसा आचरण करवाएगा और नहीं तो वो बोलते भी है ना व्यवहार में बोले भाई आप इस कान से सुनो इससे निकालो जैसे तो ऐसे जाती है धारा सुने हुए शब्दों की तो ये ऐसा है कि हमारे अंदर टिकता नहीं है ज्ञान तो इसलिए वहां प्रार्थना की ऋषि ने देखो भगवान से कैसी कैसी प्रार्थना करते हैं ऋषि कितनी व्यवहारिक प्रार्थना है ना हम सब का ये अनुभव है कि हम कितना ज्यादा सुनते हैं फिर भूल जाते हैं तो इसी के लिए प्रार्थना करें हम ऋषि यहां मोक्ष की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं अभी तो थोड़ा सा कम हो गया या तो अभी महाराज जी को टाइम नहीं मिलता है इसके कारण भी हो सकता है हो गया हो नहीं तो एक दौरान तो ऐसा आया कि जब यहाँ महाराज जी आए जब यहाँ गुरु जी सत्संग करें तो मोक्ष के नीचे किसी का प्रश्न ही नहीं है सब मुक्ति की बात पूछे मोक्ष में क्या होता है कितने दिन रहते हैं उसका क्या स्वरूप है मुक्ति के नीचे वाले भी तो बात कर लो जहाँ अपन जी रहे हैं तो उसके बारे में भी तो चर्चा की जा सकती है ना हम खाना खा रहे हैं हम स्नान कर रहे हैं हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं व्यायाम कर रहे हैं प्राणायाम कर रहे हैं दिमाग में विचार चल रहे हैं जिसको कहेंगे अः स्व संवाद हम सब के चित्त में संवाद चलता रहता है कोई ना कोई कोई ना कोई भाव विचार चलता ही रहता है हर समय तो उस आत्म संवाद के बारे में कोई प्रश्न नहीं कभी अपने आप से भी नहीं दूसरे से भी नहीं तो उसके लिए प्रार्थना की जा सकती है कि हमारे आत्म संवाद कैसे होने चाहिए जो हमारे अंतिम लक्ष्य से मेल खाते हो ऐसे संवाद चलने चाहिए क्योंकि अंतिम लक्ष्य सबका मोक्ष मुक्ति योगी बनना सब दुखों से छुटना लक्ष्य इतना ऊंचा और आत्मसंवाद कौन से चल रहे हैं अत्यंत निकृष्ट के। के को लेकर के आत्मसंवाद चल रहा है किसी व्यक्ति का आचरण हमें पसंद नहीं है बस इतनी बात हमारी कोई अनबन भी नहीं हुई वो हमारे आसपास जीता है लेकिन हमें पसंद नहीं है उसका जीने का तरीका अब वो ही व्यक्ति घूम रहा है हमारे आत्मसंवाद में किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं अखबार में कोई न्यूज़ देख ली या सोशल मीडिया पे किसी ने कोई कूड़ा करकट डाल रखा था अब वो हमने देख लिया अब वो ही चल रहा है दिमाग में तो ये आत्मसंवाद जो चल रहा है दिमाग में ये मेरे हित में है या अहित में है ये व्यक्ति को सोचना चाहिए ये प्रश्न बनता है एक अपने आप से और फिर उसको हटाने का भाई उसको रोकना है मेरे को और रोकना चाहता है व्यक्ति रुकता है नहीं तब ये प्रश्न बनता है जी इसको कैसे रोका जाए ये प्रैक्टिकल प्रश्न है तो यहाँ अथर्ववेद के ऋषि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं फिर कि जी मेरे से तो ये आता नहीं है मैं मेरे वश में तो नहीं आ रहा है ये मैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ वो सब स्लिप हो जाती है तो आप ही कुछ ऐसी हेल्प करो मेरी सहायता करो कि मेरा सुना हुआ मेरे चित्त में ठहरे और मुझे याद आए और उस मौके पर वो मुझे बचाए बहुत बड़े संत जिन्होंने अभी 90 के आसपास ही शरीर छोड़ा स्वामी राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश में रहते थे बीच बीच में अन्यत्र भी जाते रहते थे तो वो ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते थे कि भगवान जी मैं क्या करूं ये देखो मैं तो आपका भक्त बनना चाहता हूं और ये देखो मेरा विचार देखो आप एक बार मेरा भाव देखो इस समय क्या भाव उठ रहा है मेरे चित्त में अब आप ही कुछ करो तो फिर ऐसी ही वो प्रार्थना गाते थे नाथ मैं थारो जी थारो कैसा भी हूं आपका ही हूं अब आप ही बचाओ और किसके पास जाऊं इसके लिए तो ऐसी व्यवहारिक प्रार्थनाएं तो यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि भरत आपकी आपका जो सुना हुआ है वो सफल कब होगा जब वैसा शील बनेगा शील वृत्त फलम श्रुतम अग्निहोत्र फला वेदा हा। वेद का फल है अग्निहोत्र दत्त भुक्तम फलम धनम, धन का फल है या तो दान दें और या तो उसका उपभोग करें जितना आवश्यक है हमारे लिए रति पुत्र फला दाराहा शादी करना पत्नी के साथ जीवन जीना ये तब सफल होता है जब संताने हों पुत्र पुत्रियां हों और शील वृत्त फलम श्रुतम सुना हुआ श्रुति परंपरा वो तब सफल होती है जब हमारा वैसा शील बने तो अब आइए आप श्लोक के ऊपर ये पूछ रहे हैं कच्चित सफला वेदाह भरत जी आपके वेद सफल हो रहे हैं कि नहीं जो बढ़ा था वेदों में तो वैसा जी रहे हैं कि नहीं कच्चित सफलाह क्रिया जो भी कर्म कर रहे हैं आप क्योंकि कर्म किसी प्रयोजन से किया जाता है बिना प्रयोजन के तो मंदोपीना प्रवर्तते कोई भी नहीं करता है तो वो सफल होनी चाहिए आपके हर काम सफल होने चाहिए कच्चित सफला दारा वैवाहिक जीवन आपका सफल हो रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि राजकाज में लग गए और पत्नी का टाइम पत्नी को देते नहीं है तो वो नाराज है तो उधर से वो आपके लिए फिर बद भेजती रही प्राय जो सामाजिक सोशल वर्कर आदि होते हैं या बड़ा काम करने वाले होते हैं उनके घर वाले हमेशा शिकायत ही करते हैं जैसे हम संगठन में जाते हैं तो जो प्रभारी आदि होते हैं बोलिए तो पूरे दिन संस्था के काम में लगे रहते हैं घर में कब बच्चों की फीस भरनी है कब सामान लाना है कब गैस सिलेंडर खाली उनको कुछ नहीं पता है हमें परेशानी हो रखी है तो यहाँ पर राजा को या कोई भी सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने घर के लिए जो टाइम देना चाहिए वो टाइम भी जरूर देना चाहिए और प्राय ऐसे होता है कि अध्यापकों के बच्चे बिगड़ जाते हैं अध्यापक दूसरों के बच्चों को पढ़ा के आते हैं योग्य बना देते हैं अपने वालों को देखते ही नहीं है तो प्राय उनके बच्चे पिछड़ जाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए जो सोशल वर्कर हैं दूसरी जगह शक्ति के ऊपर नारी सशक्तिकरण के ऊपर भाषण देते हैं हेल्प भी करते हैं अपने वाली पत्नी नाराज रहती है हमेशा तो ऐसे नहीं करना चाहिए उसको भी उसका टाइम देना चाहिए यज्ञ तो तभी सफल होता है ना जब हर देवता की आहुति उसको दे दी जाए तो पत्नी भी एक देवता है तो उसका भी थोड़ा हक है भाई शादी की है तो, तो उसका टाइम उसको देना चाहिए गुरुजनों का भी हक है समाज का भी हक है राष्ट्र का भी हक है ईश्वर का भी हक है ऋषियों का भी हक है हमारे जीवन के ऊपर कितने लोगों का हक है तो उन सब का थोड़ा थोड़ा टाइम जब हम देते हैं तो समझ लो सब देवताओं को आहूति दे दी हमने और सारी आहूतियाँ पूरी होने के बाद अंतिम आहूति होती है मौन फिर जिस सब का हक उनको देने के बाद अब ये जो टाइम बचा है मेरा ये है उपासना के लिए उसमें बोला नहीं जाता बस मैं और मेरा परमात्मा वो पूर्ण होती है अंतिम आहुति मौन दी जाती है ना और बाद में बोलते हैं इदम प्रजापति तो वो इसने बिटिया ने एक दिन पूछा था ना जी पहले जब बोलते हैं तो हम उसका नाम लेते हैं इदम इधम इदम सोमाय इदम प्रजापते इदम इंद्राय तो वहां तो प्रजापति बोल दिया तो वहाँ प्रजापति का मतलब है ये सारी जो प्रजाएं हैं उनका स्वामी तो उसका हक उसको दे दिया और लास्ट में जो प्रजापति बोला है वो है उस अनंत ब्रह्म के लिए एक देवता के लिए है एक उस निराकार ब्रह्म के लिए तो वहां शब्द की जरूरत नहीं है जो बचा है बस फिर उसी के समर्पित हो गया ये पूरा यज्ञ उसी के समर्पित हो गया जिन जिन के लिए भी दिया था तो इसलिए इन्होंने भी पूछा कि कच्चित सफला द्वारा वैवाहिक जीवन सफल हो रहा है कि नहीं उसका भी ध्यान रखना राजा बन गए तो उसको नहीं भूल जाना कच्चित सफलम श्रुतम आपका सुना हुआ सफल हो रहा है या नहीं माने वैसा आपका शील बन जाना चाहिए कच्चित् स्वादुकृतं भोज्यम् एको नाश्नासि राघव समानेभ्यो मित्रेभ्य सम्प्रयच्छसि राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महामतिर्दण्डधरप्रजानाम् अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथावद् स्वर्गोपैति विद्वान कच्चित स्वादु कृतम एको न नसी राघव हे राघव कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास स्वादु स्वादु भोजन आते हैं राजा के पास और अकेले खा लेते हो ये तो राजा के लिए है ये थोड़ी किसी को बांटने के लिए तो कच्चित समानेभ्य मित्रे अंश संप्रय्छसी उसका कुछ अंश अपने मित्रों को या अपने साम, सामने समान लोग जो बैठे हैं उनको कुछ देते हो या नहीं देते हो तो बांट के खाना ये वेद में भी बताया केवलाघो केवला दी यही बात रामायण में भी बताई और ये बात केवल भोजन की नहीं है अब भाई कुछ कुछ लोग तो खाते ही एकांत में हैं तो किसको बांटेंगे जैसे मैं फेज वन में जाके खाती हूँ <laughs> तो ठीक है उसके लिए चीटी के लिए गाय के लिए थोड़ा रख लेना चाहिए वो एक अलग बात है लेकिन यहाँ केवल भोजन की बात नहीं हो रही है अब आप लोग तो यहाँ सामूहिक रूप से खाते हैं लेकिन सबको वही खाना मिल रहा था आप किसको बांटोगे कोई भूखा है तब तो बांटोगे ना तो यहाँ बात केवल भोजन की नहीं है जो भी अपने को उपभोग के साधन मिले हैं उन सब के ऊपर सबका हक है क्योंकि वो सबके पुरुषार्थ से ही हमें मिले हैं हमारे ज्ञान के ऊपर हमारे बल के ऊपर हमारे पूरे जीवन के ऊपर सब का हक है क्योंकि ये सब कुछ हमें समस्ती से ही मिला है कहीं किसी प्राइमरी अध्यापक का उसमें सहयोग है हमारे व्यक्तित्व को बनाने में कहीं माता पिता का है कहीं गुरुजनों का है कहीं पड़ोसियों का है कहीं मित्रों का है तो बहुत लोगों का सहयोग है पशु पक्षियों का है धरती माता का है सूर्य का है अग्नि का है जल का है वायु का है तो इन सब का ही तो सहयोग है हम सब को बनाने में तो महाराज जी ने तो बहुत पहले हमें ये पाठ पढ़ाया था कि मेरा जीवन सारी समष्टि के लिए क्योंकि सारी समष्टि मेरे जीवन को बना रही है मेरे जीवन को किसने बनाया इस सारे ब्रह्मांड ने मिलकर के बनाया तो इसलिए अब मेरा जीवन भी सबके लिए है ब्रह्मांड के लिए तो ये बात यहाँ पर श्री राम भी बता रहे हैं राजा तो धर्मेण ही पालयित्वा कह रहे भरत जी महामति दंडधरह हे महामति दंड धारण करने वाले राजा राजा तो धर्मेण ही प्रजानाम नाम पालयित्वा वसुधाम यथावद इत इतह इतः चुतः स्वर्गम उपैति विद्वान इस वसुधा को अच्छी प्रकार से प्राप्त करके और फिर इसके छुटने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है जो मैंने उपदेश दिया है इस उपदेश का पालन करते हुए जो राजा होते हैं, ऐसे जो राजा होते हैं वो यहाँ पर भी राज सुख भोग का उपभोग करते हैं और यहाँ से छुटने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तो इतना विद्वान भी राजा को होना चाहिए तो ये स्वर्ग यहीं समाप्त होता है और समय भी समाप्त हो गया आज ही विराम लेते शांति 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 श्री गुरुभ्यो नम आद हीराघव राम मिरे तुम हे हीराघव राम मेरे रखने कोवचन पितुका रखने को वचन पितु का रखने को लाज कुल की रखने को लाज कुल की वैभव तज डाला राघव राम मेरे वैभवतज डाला हे राघव राम मेरे के दुख हरते दुखियों के दुख हरते परम दयालु तुम हे राघव राम मेरे परम हे लू राम मेरे आदर्श हो धरती के प्रताप हे राघव राम मिरी पुण्यप्रताप हे राघव राम मिरी पुण्यप्रताप हे राघव राम मेरे ओ श्री गुरुक्षो नमः